आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव जी के पास आए। उस समय भगवान शिव जी के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी महाराज भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से देवताओं के कष्टों का निवारण कौन करेगा। तब कार्तिकेय व गणेश जी महाराज दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव जी के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी महाराज सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी महाराज अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव जी ने श्री गणेश जी महाराज से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव जी ने गणेश जी महाराज को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव जी ने गणेश जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो कोई तुम्हारा पूजन करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, देविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे और जो 21 दिन तक तुम्हारा व्रत करेगा उसके सारे संकट भी दूर हो जाएंगे। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो हमेशा गणेश जी महाराज को किसी भी पूजा, किसी भी व्रत करने से पहले गणेश जी महाराज का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी गणेश जी महाराज मनोकामनाएं पूरी करें। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।